जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पंचायत सदस्यों की त्रैमासिक बैठक जिला पंचायत हॉल में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनूप सिंह, डीडीओ बब्बन उपाध्याय सहित सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को सदन में के मुखिया के समक्ष रखा। विकास अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के दौरान चर्चा की। एक बार इतने साहब आपके सभागार में कुछ जैसे हर टेबल पे कम से कम दो दो माइक की व्यवस्था की जाए। माइक की व्यवस्था मतलब कि वो जो पहले से फिक्स्ड माइक की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं सर। बार बार मीटिंग में जो जो भी बात होता है, क्योंकि माइक की दिक्कत हमेशा होती है, यहाँ माइक के लिए बात भी नहीं पड़ती हूँ। माइक जगह पहली बैठक में ही इस पर चर्चा हुई, प्रथम बैठक में पंचायत लेवल पे अस्थाई पंचायत विभाग भाई अटेंडेंस करा लीजिए, पहले जाना है तो उनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। बिजली विभाग के एक्शन साहब हैं, सरकार का बिजली सड़क से एक्शन साहब हैं, पानी जल निगम स्वास्थ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली अभी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जिला योजना की बैठक थी। जिला योजना की बैठक में सड़क के एक ज्वलंत मुद्दे को मैंने उठाया था। एक ऐसी सड़क जो दो जिलों को जोड़ती है, अति महत्वपूर्ण सड़क है, भरसी से लेकर के बसवारी गांव मार्ग। मैं जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में भी उठा चुका, जिला योजना की बैठक में उठा चुका, एक्शन महोदय को भी मैं अवगत करा चुका, उस समय भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक वो सड़क बनी नहीं। ऐसा क्यों? मार्ग प्रस्तावित नहीं होते हैं जो एक जनपद से दूसरे जनपद से जुड़े हैं, और अगर हो जाएगा प्रस्तावित फॉलो करके जी सर, किसी भी विभाग का मामला हो, किसी भी विभाग के द्वारा एक कदम भी नहीं चला गया। सौभाग्य योजना हो चाहे जो भी सरकार की प्राथमिकता है, बहुत मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है सदन में कि आप पहला बिंदु देखना सीडियो सर, इस पर पत्र के माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराने या अध्यक्ष जी के माध्यम से अवगत कराने, हम खा करके 3-4 घंटा सदस्य यहाँ सदन में आकर के अपनी बात रखते हैं। जनता की उम्मीद है हम लोग वो लोग क्षेत्र में, चूंकि ये कहते हैं कि आप लोग करते क्या है कि उसका गड्ढा मुक्ति हुआ था, जब सारे विभाग के अधिकारी आते हैं पीडब्ल्यूडी का मामला है, पिछले बार कहा गया था यह रोटेटर हो चुका है, जिस भी मामले को सीरियस था हम ऐसा नहीं कहते हैं किसी का नाम ना जा आप इनको मत जाएंगे आप साथ हो जाएंगे, ठीक है वो नोट कर लिया गया, लेकिन आप मुद्दा उठा रहे हैं जब आप नहीं समझते हैं जब आप बड़ा बोलते हैं, देखिए एक आदत आदत से काम हमारे सांसद जी कैसे आओ करते हैं ना, आप अपनी बात को बयान दीजिए, आप कितना बड़ी बदले भाई, आपने कहा था कि जगह नहीं है, जगह खाली हुई 3 महीना हो गया, आपने पुलिया नहीं बनाया, मैं पुलिया बनी हुई कहाँ बनी जगह है नहीं है अपने प्राथमिकता के आधार पर जो जल जमाव है उसके निराकरण की व्यवस्था हो, अगर नाली बनाना पड़े तो बड़े बड़े नाले हैं उससे
कर दिया जाए, उसको सड़क की कुछ ऊंचाई बढ़ा दी जाए। हमको लगता है 3 किलोमीटर के अंदर जगह जगह ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो जवाब समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। जो अतिक्रमण है उस पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई करके स्थानीय थाना अध्यक्ष वगैरह को लगाएंगे, आप लोग निवेदन जाएगा, प्रशासन का निर्देश जाएगा तो निश्चित रूप से लोग खाली कर लेंगे। स्वयं हस्तक्षेप किया है, गाड़ी से उतर करके मैंने लोगों से कहा ये खराब है तो इसको प्राथमिकता पे ना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अरे उस सड़क पे पत्थर करवा देंगे अपने ठीक। ये जयपुर की पेट्रोलिंग की उसका जो अप्रोच ये लोग बना रहे हैं साइड में पटरी पटरी बनाने के, उसके अगल बगल से उसका जो बेस है उसको खनवा के ये ऊपर डलवा पटरी पटरी निर्माण।